हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं अभी किचन, सुबह का टाइम है और मैं किचन में ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। आज सुबह मुझे बच्चों को स्कूल के समय आज उठने में लेट हो गया था, तो और मैं ब्रेकफास्ट में जल्दी से मैंने बच्चों के लिए बेसन का चीला बना दिया था, क्योंकि जल्दबाजी में तो वही जल्दी से बन सकता था। तो बाकी मैं सबके लिए और बना रही हूँ। बच्चे सब स्कूल जा चुके हैं और कुकर में मेरा दाल चढ़ा हुआ है और ये आलू गोभी की सब्जी मैंने कट करके रखा है, तो उसकी मैं सूखी सब्जी बनाऊंगी। सुबह देखिए, ये मेरा चीला भी तैयार हो गया है। सुबह जब लेट होता है तो बाकी सभी कामों में लेट होने लगता है। और मुझे आज रूम क्लीनिंग भी करना था, तो मैं सोचा कि मैंने किचन का पहले काम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद मैं रूम क्लीनिंग करूँगी। रूम क्लीनिंग में झाड़ू पोछा और नहाने के बाद ही करूँगी, क्योंकि फिर बेटी का लाने का समय हो जाता है, तो इससे मैं साफ सफाई करते रहूँगी। टाइम होगा तो फिर निकल भी जाऊँगी। और राखी भी आ रही है तो इससे क्लीनिंग भी हो जाएगी। और ऐसे तो मैं डस्टिंग रोज करती हूँ। देखिए, ये मेरी सूखी सब्जी भी तैयार हो गई है आलू गोभी की, लंच में इनका हो जाएगा। देखिए, मैं रूम क्लीनिंग करने के लिए आ गई हूँ। इस वक्त भगनी आई है, मैं उसी से बात कर रही हूँ। वो स्कूल जाने के लिए आई थी मुझसे मिलने, तो उसका सेकेंड शिफ्ट में चलता है स्कूल। तो वो बोली कि मामी अभी टाइम है तो लो मैं तुम्हारे वीडियो बना देती हूँ। तो ये मैं साफ़ कर रही हूँ, मैं उसे दिखा रही थी, देखो कितना डस्ट है, क्योंकि मैं 2 दिन से डस्टिंग भी नहीं कर रही थी, कि मुझे क्लीनिंग करना है, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। और राखी भी आ रही है तो इसीलिए मुझे साफ सफाई अच्छे से करने की। तो आप लोग की राखी की साफ सफाई हो गई है? तैयारी कैसी चल रही है? तो आप लोग भी कमेंट कर बताइएगा। बरसात के समय में उतना डस्ट नहीं बैठता है। ये देखिए, रूम में इधर का साफ हो गया है, अब मैं इस तरफ का साफ करूंगी। कल मैं फिर अब किचन देखूंगी। कल किचन अगर हो सका, अभी तो ये रूम पूरा कंप्लीट करूंगी तब मैं किचन में जाऊंगी। ये फ़ोटो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैं मुंबई गई थी तब की है। अब मैं ये सोफे को साफ कर रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो मैं इस वीडियो को अभी बंद कर रही हूँ। बाय बाय।